महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां पूरे राज्य में चुनावी हलचल थी, वहीं कुछ सीटें ऐसी थी जो विशेष रूप से राजनीतिक महाभारत का अखाड़ा बन गई। इन 5 सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और इनसे जुड़ी कहानियां और संघर्ष पूरे राज्य का ध्यान खींच रहे थे। ये सीटें उन नेताओं के लिए निर्णायक साबित हो रही थी जो अपनी साख बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। वीडियो में बात करेंगे वर्ली की, बारामती की, नागपुर की, बांद्रा ईस्ट और कोपरी पचपकड़ी की। वर्ली सीट, मुंबई की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ली सीट पर शिवसेना के आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा। 17 राउंड की गिनती हो चुकी है जिसमें दोनों के बीच करीब 5,000 वोटों का फर्क है। आदित्य ठाकरे ने 2019 में इस सीट से शानदार जीत हासिल की थी और इस बार उनका मुकाबला शिवसेना के मिलिंद देवड़ा से हो रहा है, जिन्होंने पहले दक्षिण मुंबई से कांग्रेस सांसद के रूप में काम किया और इस बार शिंदे की शिवसेना से जुड़े हैं। आदित्य के लिए ये चुनाव अपनी सीट बचाने के साथ साथ पार्टी की प्रतिष्ठा बनाए रखने का भी है। मनसे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे भी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर हैं, जिनका वोट बैंक खास तौर पर स्थानीय मुद्दों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर आधारित है। बारामती, पवार परिवार के बीच बड़ा मुकाबला। बारामती सीट पवार परिवार के लिए बेहद अहम रही। इस बार यहां शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को चुनौती दी है। अजीत पवार पिछले 33 सालों से सीट पर काबिज हैं, वहीं योगेंद्र पवार ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है और शरद पवार के मार्गदर्शन में इस चुनाव में उतरी है। बांद्रा ईस्ट, जोरदार मुकाबला। बांद्रा ईस्ट में जिशांत सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई के बीच कड़ा मुकाबला रहा। जिशांत सिद्दीकी युवा और मुस्लिम समुदाय में खासे लोकप्रिय हैं, जबकि वरुण सरदेसाई को शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक का समर्थन मिलने की संभावना है। 13 राउंड की गिनती के मुताबिक वरुण सरदेसाई करीब 7,000 वोटों से आगे चल रही। ये सीट शिवसेना, यूबीटी और अन्य दलों के लिए अपनी आधार को बनाए रखने की लड़ाई बन गई। कोपरी पचपकड़ी, शिंदे बनाम उनके गुरु का परिवार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए कोपरी पचपकड़ी सीट विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहां उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे से मुकाबला है। 16 राउंड की गिनती में शिंदे करीब 70,000 वोटों से आगे हैं। शिंदे ने आनंद दीघे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और उनके लिए ये चुनाव न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी काफी अहम है। नागपुर दक्षिण पश्चिम, फडणवीस बनाम गुदाड़े। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने 2009 से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और अब तक 3 बार जीत भी चुके हैं। 17 राउंड की गिनती के मुताबिक फडणवीस करीब 25,000 वोटों से आगे चल रहे। फडणवीस ने पहली बार 2019 में 49,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुदाड़े हैं, जिनकी स्थानीय जड़े भी काफी गहरी है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन 220 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी अकेले 125 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महाराष्ट्र चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी की देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।